केंद्र सरकार बार बार दावा करती है कि कश्मीर घाटी में हालात सामान्य हो रहे हैं, मगर जैसे ही कोई टीम या समूह इन दावों की पड़ताल के लिए कश्मीर घाटी जाने की कोशिश करता है, उसे रोक दिया जाता है। अब जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रेमॉन मैक्सेसे अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर संदीप पांडे को श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस दिल्ली भेज दिया। डॉक्टर संदीप इस पाबंदी को कैसे देखते हैं, उनसे हमारी सहयोगी अंजलि ओझा ने बात की। डॉक्टर साहब, क्या कारण रहा कि आपको जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया? देखिए, ये तो हमें भी समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारे पहले कई सामाजिक कार्यकर्ता जा चुके हैं, जिसमें जॉन ड्रेस साहब, सईदा हमीद जी, गौतम मोदी साहब, शबनम हाशमी, ये सब लोग गए हैं। हमें क्यों रोका गया, हमें भी समझ में नहीं आया। लेकिन इतना तो तय है कि वहाँ स्थिति सामान्य नहीं है, इसलिए रोका गया। और वो नहीं चाहते थे कि हम कश्मीर में जाएं और वहाँ की हकीकत को लेके आएं और बाहर के लोगों को बताएं। तो आपके हिसाब से इस तरह से क्यों हो रहा है, क्योंकि अब तो कांग्रेस के नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद, उन्हें भी कोर्ट ने परमिशन दे दी जाने की, और भी लोग जा रहे हैं। देखिए, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि गुलाम नबी आज़ाद को भी कोर्ट से परमिशन मिली है, और वो भी 4 जिलों की सिर्फ, और उसमें भी ये कहा गया है कि वो कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं करेंगे। अब आप बताइए, ये कितनी मज़ेदार बात है कि आरएसएस का राजनीतिक एजेंडा था 370 ख़त्म करना, तो हमारी कोर्ट बीजेपी की सरकार को तो अपनी राजनीति करने दे रही है, और कांग्रेस को कह रही है कि वो राजनीति ना करें, सीताराम येचुरी को कह रही है कि आप राजनीति मत कीजिए। तो क्या बिना राजनीति के लोकतंत्र चलेगा? सर, आप बहुत लंबे समय से एक्टिविज्म के साथ में जुड़े हुए रहे हैं और देश की पॉलिटिकल सिचुएशन के विटनेस भी रहे हैं। आज जो कश्मीर में पॉलिटिकल सिचुएशन है, सारे लीडर्स हाउस अरेस्ट में हैं, कुछ लोग, 2 लोग आए भी दिल्ली तो वो कोर्ट की परमिशन से आए, कश्मीर का पॉलिटिकल फ्यूचर किस तरह का आपको नज़र आता है? नहीं, मुझे तो, मैं तो बहुत निराश हूँ, क्योंकि केंद्र सरकार ने कह दिया कि वहाँ के जितने नेता हैं वो सब भ्रष्ट हैं, वो सब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स करते हैं। तो भाई, सवाल ये है कि क्या भारत के दूसरे राज्यों में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स और करप्शन नहीं है? इनके जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं, वो तो एक समय करप्शन के मुद्दे पे ही वो बीजेपी छोड़ी थी उन्होंने। तो इस तरह से वहाँ की राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता को ख़त्म करना और वहाँ के चुनाव 14 महीने के बाद भी नहीं होने देना, ये तो एक तरीके से लोकतंत्र को ख़त्म करने की बात है। अगर बीजेपी ये चाह रही है कि वो एकमात्र राजनीतिक दल रह जाए जम्मू कश्मीर में और पूरे इस पूरे देश में, तो इससे बड़ी ज़्यादा खतरे की बात लोकतंत्र के लिए और कोई नहीं हो सकता। और सर, इस दिशा में किस तरह के कदम उठाने के प्लान हैं? मुझे लगता है कि वहाँ पे सामान्य स्थिति बहाल होने के लिए आज की प्रेस रिलीज में हम लोगों ने कहा है, अंदरूनी इलाकों से सेना हटनी चाहिए, तुरंत चुनाव होने चाहिए, राज्य सरकार का गठन होना चाहिए वहाँ की विधानसभा को बहाल करके। उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे, और हमारी सोशलिस्ट पार्टी वहाँ जब चुनाव होगी तो इसी मुद्दे पे वहाँ चुनाव लड़ेंगे। तो कई डायलॉग में कश्मीर के साथ सरकार पीछे नज़र आ रही है क्या? बिल्कुल, डायलॉग तो कश्मीर के मामले में हो ही नहीं रहा,